बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद, बिछ रही है चुनावी बिसात। किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट, नेता नहीं अब जनता तय करेगी कौन होगा सभापति, उपसभापति का उम्मीदवार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए नगर चुनाव पर चुनावी चर्चा। भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर में अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। आपको बता दें शाबाद नगर पंचायत से जो है अल्पना सक्सेना को जो है प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ श्रीमती अल्पना सक्सेना मौजूद हैं, मैं उनसे ही पूछूंगा। पार्टी ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, चुनाव मैदान में उतारा है, हालांकि और भी लोग टिकट की दौड़ में थे, क्या कहना चाहेंगी? नमस्कार, मेरा नाम अल्पना सक्सेना है, वाइफ ऑफ सुमित भटनागर, और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि पार्टी ने जो विश्वास जताया है हम पे, जो विश्वास रख के हम पे ये टिकट दिया है, उस पे मैं पूरा पूरा खरा उतरने की कोशिश करूँगी। और शाहबाद में जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको भली भूति निभाने की कोशिश करूँगी, उन्हें बदलाव करने की कोशिश करूँगी, और सभी जो नीतियाँ हैं भाजपा की उन नीतियों पे खरा उतरने की कोशिश करूँगी। और बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, जितना हो सकेगा मुझसे उतना मैं परिवर्तन करने की कोशिश करूँगी और सभी का साथ निभाऊँगी और सभी का साथ दूँगी। सरकार की जो योजनाएँ हैं वो कैसे प्रेजेंटेशन करेंगी? जो भी सरकार की नीतियां हैं या योजनाएं हैं उनको मैं जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी और उनको जन जन तक उनकी सुविधाएं के अनुसार उनको बताऊंगी, जागरूक करूंगी उनके प्रति कि वो उनकी सुविधाएं ग्रहण कर सकें। और बस अच्छा अल्पना जी, आपको लग रहा है कि जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, हालांकि बसपा भी है सपा भी है आपके मुकाबले पे, वो भी चुनावी मैदान में है, तो क्या लगता है आपको ये मुकाबला किस तरीके का होगा? मुकाबला तो बहुत ही गंभीर है और बहुत ही टक्कर का है, तो हम अपनी तरफ से पूरा पूरा प्रयास करेंगे, यथार्थ में हम यही कहेंगे कि बस हम पे विश्वास रख के जो पार्टी ने हमें मौका दिया है उस पे हम पूरा पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। अल्पना सक्सेना है और कल यह है, कल जो है नामांकन अपना दाखिल करने जाएंगे और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो भी इनके साथ रहेंगे। इसके अलावा आपको बता दें नगर पंचायत शाहबाद के अंदर ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा पार्टी की पूरी ताकत इनके साथ होगी और साथ ही जो योजनाएं हैं सरकारी उनको जन जन तक पहुंचाने का काम भी किया जाएगा। हालांकि जो अल्पना सक्सेना है इनको पार्टी ने मौका दिया है और अब देखना होगा कि बसपा और सपा को किस तरीके से टक्कर देंगे और साथ ही किस तरीके से चुनाव में इस जो सीट है उसको निकाल कर लोगों के बीच जाकर ये प्रत्याशी तो है ही और किस तरीके से ये नगर जो है में काम कराएंगे, विकास कराएंगे, ये तो अब देखने वाली बात होगी। चुनाव का जो निर्णय है, जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस पर इनको ध्यान रखते हुए चुनाव लड़ना है। वीडियो जर्नलिस्ट नाजिम के साथ अफान अहमद, क्यू टीवी भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।